नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खाने में अगर कोई भी चटनी मिल जाए तो खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आज मैं आपके साथ मूंगफली और चने की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस चटनी को हम इडली डोसा के साथ तो इंजॉय करते ही हैं, लेकिन रोज के खाने में भी, जैसे कि पूरी, पराठा, सैंडविच, पकौड़ा, इसके साथ भी हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी चटनी और बहुत जल्दी बनने वाली, इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली और चना दाल की चटनी बनाने के लिए मैंने 3/4 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। ये भुने हुए दाने हैं, छिलके हटा के मैंने रखा है। ऐसे ही 2 टेबल स्पून के करीब चने हैं, इसके भी मैंने दाने निकाल कर रखे हुए हैं। इसके बदले अगर आपके पास में भुनी हुई चना दाल हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च है, लाल वाली, और 1 कटोरी फ्रेश दही है, और जो हम छोंक लगाएंगे तो 1 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच चना दाल, कड़ी पत्ता और 2 लाल सूखी मिर्च हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट में बहुत टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मूंगफली दाना, चना और जो मिर्च है, इसे हम गैस पर थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो जाएगी। चना और मूंगफली दोनों भुने हुए हैं तो हमें ज़्यादा देर नहीं इसे करना है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि ये आसानी से पीसने में आसानी हो जाए और मिर्च भी थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। इसलिए बस 1-2 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सिर्फ गर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने दानों को और चने को इसमें निकाल लिया है। अब इसमें जो दही था इसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मैं नमक बताना भूल गई थी, 1/3 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। बस इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चटनी को जार से मैंने बाहर निकाल लिया है, बाउल में निकाल लिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच पानी भी डाला है, तब हमारी चटनी इस तरह की कंसिस्टेंसी में आई है। अब इसका हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल भी डाल दिया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले अब हम इसमें राई डाल देंगे। इसी के साथ जो हमने उड़द दाल ली थी उसे डाल देंगे, चना दाल भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चटकने देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे ही रखा है, ज़्यादा तेज करेंगे तो दालें जल जाएंगी। देखिए दाल भी अच्छे से चटक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और जो मैंने 2 लाल मिर्च ली थी उसे इसमें डाल देंगे। तेल बहुत गर्म है तो मिर्च आराम से इसमें तल जाएगी। अब इस तड़के को चटनी में डाल देते हैं। बघार को मैंने चटनी में डाल दिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी बनाना बहुत आसान है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें इडली या डोसा या सांभर वड़ा या जो भी हम साउथ इंडियन डिशेस बनाते हैं उसके साथ इस चटनी को बनाएं। गर्मी के मौसम में वैसे भी हर चटनी बहुत टेस्टी लगती है और खाने में चटनी को हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इस तरह की सिंपल सी चटनी को हम बनाकर वैसे भी रख सकते हैं, पराठा, पूरी, ब्रेड का जो भी हम आइटम बना लेते हैं, पकौड़े, सैंडविच, सबके साथ ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की बहुत आसान आसान सी जो भी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसे आप इंजॉय कर पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।